करेंगे और किस तरह का ये आपने ये कहा कि 6 महीने के अंदर आंदोलन हुआ? देखिए, मैं पिछले 2 साल से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से यहाँ जो अत्याचार हो, जैसे ठियोग का मामला भगतराम उसमें सर न्यायाधीश, एक ग्राम पंचायत गवाही देवी मोड़ में जो महिला प्रधान थी उनके साथ जो है भेदभाव हुआ उसमें कोई न्याय नहीं हुआ, एक संधु ग्राम पंचायत का मामला है उसमें मारपीट हुई उसमें कोई अन्याय अब तक न्याय नहीं हुआ, फिर परशुराम जी का मामला है वो एक अन्याय हुआ, उसके अलावा ये जो वर्तमान में आज ये जो सिरमौर का जो किरपाट क्षेत्र है उसको हाटी जनजाति क्षेत्र बन गया, जिस तरह से 40% आबादी शेड्यूल कास्ट की वहाँ है उनसे कोई बातचीत नहीं होती है और ये प्रयास किया जाता है, लंबे समय से यहाँ छुआछूत की घटनाएं बढ़ रही हैं, यहाँ एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही, कार्रवाई के नाम पे जो लोग कार्रवाई चाहते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर ये इतना बड़ा षड्यंत्र करके झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करके एक इतने बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित, आरक्षण की जो व्यवस्था है पंचायती से लेकर विधान विधायक तक जो है लोकसभा तक, उसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट जो लागू नहीं होगा जनजातीय क्षेत्र में, ये एक षड्यंत्र है कि वो अपराधियों को जो लोग अन्याय चाह रहे हैं उनको खुली छूट दे, लाइसेंस दे रहे हैं आरोप अन्याय करने का कमजोर वर्ग के लोगों पर, ये हम लोग नहीं सहेंगे। हमारी मांग है कि जब 2017 तक रजिस्ट्रार साहब ने इस बार रिपोर्ट को खारिज किया, अगर पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ, हम पे तो रिपोर्ट कार्ड है कि 122 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए, 106 मामले तो बिल्कुल उसी क्षेत्र के हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ मामले भीम आर्मी के लोगों ने उठाए हैं, एक श्यामलाल भूमि का मामला है, अभी तक सरकारों ने वंचित वर्ग के लिए क्या जो है पिछले 5 साल में बजट की योजना बनाई है, कितनी जमीन दी, कितने रोजगार दिए, कितनी नौकरी दी सरकार साझा कर, अब मुख्यमंत्री इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ की जनता की सुनवाई भी नहीं करते, उनसे मिलना भी नहीं चाहते, तो वो किन के मुख्यमंत्री, वो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री आज ये लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए हैं, ये लगातार समय मांग रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अगर 40% आबादी को नकार के इग्नोर करके और जबरन कोई कानून जो है लागू करना चाहते हैं तो कानून लोग लागू नहीं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे जो चुनावी राजनीति, करीब करीब 3 लाख की आबादी और है हिमाचल की जिनकी आबादी कम है, तो उनके लिए कोई ऐसी जो है जल्दबाजी, ये सारा जो है कुछ लोगों को खुश करने के लिए सरकार जो शोषित वर्ग के अधिकार जो संविधान ने दिए उनको अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, आर्टिकल 322 का जो है ना ये खुला उल्लंघन है, आप शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकार को वंचित कर ही नहीं सकते, आप दे तो कुछ नहीं रहे, जो उनके हिस्से में संविधान है उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये पावर सरकार को है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दी है, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को दी है, केंद्र सरकार ने भी, कि वो चाहे तो उनके वर्ग हितों के लिए कुछ अच्छा काम करें, वो तो नहीं किया मुख्यमंत्री ने, तो अधिकार के बारे उठाने पर जो हत्याएं हो रही ये बंद होनी चाहिए और इस मांग को मुख्यमंत्री अनावश्यक रूप से ना लें, ये जायज मांग है, एक बड़े समाज की मांग है, इस पर गौर करें और अगर वो इसको इग्नोर करते हैं तो फिर हम मजबूर होकर सिरमौर से लेकर शिमला तक पैदल यात्रा निकालेंगे और पिछले अगले 1 महीने में हम लोग गांव गांव जाकर वंचित वर्ग के लोगों को तैयार करेंगे, संध्या के खिलाफ करेंगे। एक सौरभ नेता ने भी आपको जो चेतावनी दी थी, जिनका रोजगार चल रहा है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ वो 3-4 लोग इम्पोर्टेंट नहीं, ये जो 3-4 हजार लोग यहाँ बैठे हुए इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे हैं गर्मी है, 40 से ऊपर टेम्परेचर है, मैं तो यहाँ सोफे पे बैठा हूँ, मेरी बहनें माँ जमीन पे बैठी हैं, फर्क चल रहा है, वो उस दर्द को महसूस कर रहे हैं क्योंकि जो आने वाला दर्द है वो ज़्यादा उससे कठिन है, तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करके इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ, अभी तो मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में आया हूँ, लेकिन अगर मुख्यमंत्री कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो मैं यहाँ लंबे समय के लिए आ जाऊँगा, फिर मुख्यमंत्री चैन से नहीं बैठे, हमने तय किया है कि जो मुख्यमंत्री हमारे लोगों को पैदल करना चाहते हैं अधिकारों से, मुख्यमंत्री को भी हम लोग पैदल कर रहे हैं, और कितनी मुश्किल होने वाली है क्योंकि संविधान की शव यात्रा भी राजधानी शिमला से निकाली गई, सरकारें उसकी छूट जो है सरकारें देती है, यही सरकार जो बाबा साहब को आजकल पूजने का नाटक करती है ये संविधान शव यात्रा भी निकालती है, इस सरकार की कथनी करनी हम लोग देख चुके हैं, इस सरकार ज्यादा उम्मीद है लेकिन अपने आंदोलन से ज्यादा उम्मीद है कि अपने आंदोलन के जरिए हम लोग सरकार को गहरी सरकार को जगाने काम करेंगे, अगर नहीं सुनवाई होगी रास्ता कठिन सरकार के लिए होने वाला, हमारे लिए तो रास्ते कठिन लंबे समय से ही है, हम पैदा हो रहे हैं ये भी कठिन है, हमारे लिए रास्ते लंबे समय कठिन, अब तो हम सुगम कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, धन्यवाद।